हाय वेलकम यू ऑल। तो आज के लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, और चूंकि वीडियो बड़ा नहीं हो जाए इसलिए हमने उसको छोटा करके नहीं केवल इंटेक्स्ट क्वेश्चन तक ही रोक दिया था। तो इसमें एक्सरसाइज में क्या मेनली क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है, जो आप सबको पता है क्योंकि आप लोग टैलेंटेड हैं, और जो इसमें कुछ डिस्कशन करने वाले क्वेश्चन है उससे मोस्टली हमने क्लास में भी मतलब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने जो वीडियो है मेरा उसमें किया हुआ है, फिर भी जो कुछ भी है उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है सर, चलिए। लिखा हुआ है बोर्ड पर कुछ, क्या लिखा हुआ है सर? हाँ जी, इन टर्म ऑफ ग्रुप एंड पीरियड बताइए कि 114 एलिमेंट, 114 किसी का एटॉमिक नंबर है तो पीरियोडिक टेबल में कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? जहाँ रहने वाला जगह पर रहता है क्या सर? तब बेकार की क्वेश्चन है। इन टर्म ऑफ ग्रुप एंड पीरियड वेयर यू लोकेट द एलिमेंट जेड इज इक्वल टू 114, 114 किसी का एटॉमिक नंबर है तो वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ रहेगा? चलिए सर, 114 जिससे आपको पता है सिक्स्थ पीरियड, छठा पीरियड खत्म होता है आरएन में 86 में। सेवेंथ कहाँ से शुरू होता है? 87 से। जी हाँ, 87 से शुरू होता है, लेकिन सेवेंथ पीरियड में सेवेंथ पीरियड में आपका कौन कौन है? आपका 7s है इसमें, ये है, उसके बाद इसमें 6d है, और फिर इधर 7p है। यही है सर, आपको बताएंगे। तो देखिए ऐसे ही इसमें होता है, इस ढंग से ये भरता है, ऐसे ही भरता है। ठीक है, तो यदि 86 के बाद 87 और 88 देखिए यहाँ चला आया, किसमें? 7s में होगा, और इसमें फिर 14 यानी 90 से लेके 103 इसमें आ गया, ये 89 वाला यहाँ जाएगा डी में। हाँ ठीक है, तो 103 तक आ गया, ये किसमें? एफ में, एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो गया सर। आपको पता है, पता नहीं देखिए, और ये 104 से यदि आप शुरू कीजिएगा तो 10 एलिमेंट मतलब 104 89 होगा, 89 उसके बाद 103 बगल वाला, 104 112 तक यहाँ आ गया, और यहाँ कौन होगा? 13 और 113 और 114, तो निश्चित रूप से ये कितना 13 ग्रुप होगा, तो ये क्या होगा? 14 ग्रुप में आ जाएगा। तो ग्रुप नंबर इसका कितना हो जाएगा सर? किताब में सब लिखा हुआ है, ग्रुप नंबर 14। ब्लॉक कौन हो जाएगा? पी ब्लॉक। नहीं सर, यही है और क्या सर, इसमें कोई कुछ नहीं, तो आपको पता था लेकिन फिर भी आपका एंटरटेनमेंट कराने के लिए बता दिए। देखिए ये सर 89 के बाद देखिए आप कौन, 87 ये देखिए, ये डी ब्लॉक का है, और फिर वही बोले 92 103 यही रहता है, फिर यहाँ देखिए ये 112 तक हो गया, ये 13 और 114 वाला, ये दैट्स आपको सब पता है। तो चलिए ये हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कहता है कि ये भी पता है सर, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसीज, ये सब दिया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, ये भी आपको पता है सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में क्या करते हैं, Ny3- इसका PyE रेशियो निकालिए कितना, आपको पता है सर। हम बेकार आपका टाइम खा रहे हैं सर, कि पिया जाता है। अच्छा एक चीज बताइए, हम जब तक लिख रहे हैं पानी खाया जाता है कि पिया जाता है? खाया जाता है, अब भात भी खाया जाता है। अच्छा ठीक है, अब पानी भी खाया जाता है, जिसको बोलते हैं आमी एकटा पानी खाओ। बंगाल के जो होंगे सब मुस्कुरा रहे होंगे, कह रहे होंगे कि सर क्या कर रहे हैं आप, हमारे यहाँ तो सब चीज खाया जाता है सर, आपके यहाँ बिहार में पिया जाता होगा। देखिए यही है सर, ऐसे PyE रेशियो सब में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस सब में इलेक्ट्रॉन का संख्या 10 है, क्योंकि पता है आपको सब में इलेक्ट्रॉन का संख्या 10, तो आप इसको क्या कीजिए, हायर द PyE रेशियो लोअर द साइज, आपको पता है हायर द PyE रेशियो ये जितना हाई होगा लोअर द आयनिक साइज आयनिक रेडियस, तो निश्चित रूप से सबसे कम किसका होगा? Al3+, उससे ज्यादा Mg2+, देन Na+, देन कहाँ गए, हाँ F-
देन ओ टू माइनस और सबसे बड़ा एन ए थ्री माइनस क्यों लोअर द पी वाई रेशियो हाइडर द साइज लोअर कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, कॉपी करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको सब पता है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मेनली आप देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ भी एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो आप वहाँ से बना सकते हैं। देखिए आइनस्टीन एनर्जी इज इक्वल टू होता है एनर्जी ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट यानी इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी में ले जाना। तो यहाँ आप देखिएगा वहाँ के इन्फिनिटी में एनर्जी जीरो होता है, होता है कैसे होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और ग्राउंड स्टेट में आप जो ग्राउंड मतलब यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट उसमें देखिए ये 2.18 × 10⁻¹⁸ है, इसको ग्राउंड स्टेट मतलब एक का ये ऐसे हो गया, ये हो जाएगा इतना यानी प्लस 2.18 × ये होता है जूल पर एटम, है ना, जूल पर एटम में ये यानी से वैसे निकल गया ये होता है। तो इसको किलो जूल में करने के लिए इस आइनस्टीन एनर्जी को किलो जूल पर मोल में करने के लिए, मोल में तो ये प्लस तो है ही 2.18 ये माइनस माइनस प्लस हो गया सर यहाँ जो अब ये जो है ना देखिएगा वहाँ है फॉर्मूला ये माइनस के लिए यहाँ जेड स्क्वायर भी होता है फॉर्मूला। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर बेस्ट तो ये 1.8 × −18 इसको आप क्या कीजिए इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए किलो 6.022 × 10⁻²³ ये क्या हो गया इतने से मल्टीप्लाई कर दी तो मोल हो गया नहीं इसको कीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1312.36 ये आ जाएगा चूंकि डिवाइड कर दिए थे ये किलो हो गया है ना जूल किलो जूल ये जूल में था आ चूंकि इससे मल्टीप्लाई कर दी थी ये पर मोल हो गया ये सर इसको और 3.13 × ये की हटा दीजिएगा तो यहाँ पावर कर दीजिएगा तो किलो नहीं लिखिएगा जूल पर मोल लिखिएगा आप ओके सर आसान है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पर ये बेस्ट तो ऐसे बता दिया आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बनाए होंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाए होंगे क्योंकि आप लोग तो टैलेंटेड हैं। यस देखिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट आइनस्टीन एनर्जी जो है सोडियम का ज़्यादा होता है जबकि दूसरा जो है हाँ पहला किसका होता है मैग्नीशियम का ज़्यादा होता है जबकि दूसरा सोडियम का होता है। भैया बहुत आसान बात है क्योंकि ये भी आप लोग को पता है 1s2 2s2 2p6 3s1 आप लोग को सब पता रहता है नहीं सर तब क्योंकि आप लोग देखिए सर यही आप जानते हैं लेफ्ट टू राइट यदि बढ़ते हैं सोडियम के बाद मैग्नीशियम है तो निश्चित रूप से इसका साइज क्या होता है देखिए कन्फ्यूज पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा दोनों का कन्फिग्रेशन ये फुल फिल है या हाफ फिल है कन्फिग्रेशन में कोई बहुत ज़्यादा तनाव नहीं है बस लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं ऐसे ऐसे बढ़ते हैं नहीं ऐसे जी ऐसे बढ़ते हैं पीरियड में तो उधर वाले का साइज कम जाता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है ना इसका साइज बड़ा है उसका साइज कम है कन्फिग्रेशन में कोई टेंशन नहीं है तो क्या होगा इसका साइज बड़ा है आइनस्टीन कम होगा क्लियर इसलिए IE1 जो होगा किसका आपका सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम का होगा ठीक है। लेकिन जब ये दूसरा आइनस्टीन एनर्जी जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाइएगा तो इसको मिटा चलो भाई सैम हो गया लिख लिया होइएगा नहीं हाँ चलिए ठीक है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालने जाइएगा इसमें तो ये Na प्लस हो जाने के बाद ये 1s2 2s2 2p6 ये लाइक किसका हो गया सर नोबल गैस नियोन जैसा हो गया जबकि ये मैग्नीशियम प्लस जो है 1s2 देखिए कुछ नहीं जब इससे जब आप निकालने जाइएगा सर इससे इलेक्ट्रॉन तो वह निकालने देगा है लाठी लेके दौड़ेगा कि बारे वाह हम नियोन जैसा कितना मेहनत से बने हैं स्टेबल हैं हम इलेक्ट्रॉन तुमको दे दो ऐसा होता है क्या नहीं जी आई कहेगा हाँ जी हमारा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है मुझको जरूरत नहीं एक ले लीजिए नहीं क्योंकि हमको तो दो था एक बन जोगी आप ले ही लिए जाते एक लेके हम क्या करेंगे इसको ले जाइए क्योंकि ये हट जाएगा तो हम भी न्यून जैसा हो जाएंगे नहीं तो ये इसका टेंडेंसी होगा आसानी से निकल जाएगा जबकि ई कहेगा नहीं हम तो बने हैं बड़ी मेहनत से नहीं
नहीं बड़ी मेहनत से नहीं बने तो बड़ी आसानी से, लेकिन आप बन गए तो फिर आप गड़बड़ाएंगे नहीं। दैट्स वाई Ie2 जो है निश्चित रूप से ये नियॉन जैसा स्टेबल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने जाइएगा तो एनर्जी रेजी एक्सेप्शनली हाई हो जाएगा, तो उस समय सोडियम का जो है वो सेकेंड एनर्जी एनर्जी वो मैग्नीशियम से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि Na+ प्लस से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो फुलफिल वाला से निकलेगा, एनर्जी ज़्यादा। तो चलिए क्वेश्चन आपके बुक का लिखा हुआ है क्या, द फर्स्ट एडिशन इन थैल्पी ग्रुप 13 एलिमेंट का दिया हुआ है, बोरन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम बोरन का इतना दिया हुआ, कहता है ये जो ट्रेंड है इसके बारे में कुछ बताइए। ये क्या बताएं सर, इसको यदि हम एक्सप्लेन करने लगे अभी जो 12th पास करके जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनका लिए, उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो तो सोच रहे हाँ ये तो इनऑर्गेनिक में तो होबे करता है, लेकिन जो 10th पास करके गए होंगे उनको अभी हम जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं तो उनका माथा घूम जाएगा कि ला सर बता कुछ रहे तो सबको मिला दिए एक्सेप्शन भर दिए। तो निश्चित रूप से चलिए सर यही इनऑर्गेनिक की दुनिया है, आपको ये तो आज या कल तो फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन जानिए क्या है सो। तो यहाँ देखिए सर एनर्जी एनर्जी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, तो इधर मत देखिए अभी बाद में देखेंगे, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है हमारा एनर्जी एनर्जी घटना चाहिए, घट रहा है वाहे वाह, अरे बढ़ गया, घट गया ठीक है, अरे बढ़ गया, देखिए तो कहते हैं व्हाट व्हाई दिस हैपन इन ग्रुप 13 एलिमेंट, इसके बारे में कुछ बताइए क्वेश्चन। तो चलिए सर आपको सहायता के लिए हम कुछ कुछ लिख के लाए, देखिए सर जितना जितना देखेंगे उतना देखिएगा ना, तब भोग देंगे। हाँ देखिए बोरन है अल्मोनियम है गैलियम है इंडियम है थैलियम ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है इसको मत देखिए ये मेरा है आपका वो है, ये देखिए हाँ देखिए ये एनर्जी एनर्जी देखिए ये सब ऐसे लिख दिए, ये लिख दिए ऐसे लिख दिए सर ऊपर से कॉपी कर दी। अब आप बताइए कि अभी तक आप क्या पढ़े हैं कि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेरा साइज बढ़ता है एनर्जी एनर्जी घटता है, ये पढ़े क्यों, जब ये पूछा जाता है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो एनर्जी एनर्जी क्यों घटता है, यानी नीचे वाले का कम होता है, जो नीचे आते हैं कम जाते हैं कम जाते हैं कम जाते हैं कम, ऐसा क्यों होता है, तो आपको वहाँ बताया गया होगा कि व्हेनेवर हम लोग ऊपर से टॉप टू डाउन आते हैं तो मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, नहीं लेकिन इंक्रीज इन सेल नंबर इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है नहीं, विच आउटवेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है उससे ज़्यादा सेल नंबर बढ़ जाता है, सेल नंबर बढ़ना इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ना को आउटवेट कर देता है, उसके प्रभाव को खत्म कर देता है, ये मेनली होता है, ठीक है सर, यानी मेनली सेल नंबर जो बढ़ता है वो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज को के प्रभाव को कट कट कर देता है, हर समय कट कट नहीं हो पाता है, ठीक है सर, हर समय कट कट नहीं, कभी कभी न्यूक्लियर चार्ज वाला क्या करता है रुक, सेल नंबर जो बढ़ता है उसको आउटवेट कर देता है, बस कहानी यही, यहां वही है जो नॉर्मल आप पढ़े थे कि सेल नंबर जो बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर वो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज को आउटवेट कर देता है, प्रभाव को प्रभावहीन कर देता है, इफेक्ट को नलिफाइड कर देता है, इसलिए साइज बढ़ जाता है टाइनेसरिज घट जाता है, यहां क्या है उल्टा हो जाना है, रिपीट कर रहे हैं जान लीजिए क्या उल्टा हो जाता है कि सेल नंबर जो बढ़ता है उसके प्रभाव को कट कर देता है कौन, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है जहां जहां गड़बड़ी हो रहा होगा, चलिए देखते हैं कहां कहां गड़बड़ी है, देखिए अब आइए साइज का प्रभाव देखिए, इससे इसका साइज बड़ा होना चाहिए है कोई टेंशन नहीं, इससे इसका साइज बड़ा होना चाहिए ला कम है गड़बड़ है, इसे इसका साइज बड़ा होना चाहिए है ठीक है, इसे इसका साइज बड़ा होना चाहिए है, हमको ये देखना है कि इसका साइज क्यों बड़ा है, नहीं साइज क्यों बड़ा है इसको ये देखना है, अब फिर देखिए एनर्जी एनर्जी देखिए, इससे इसका साइज बड़ा है तो एनर्जी एनर्जी कम है ठीक है, इससे इसका साइज छोटा है नहीं तो एनर्जी एनर्जी ज्यादा है ठीक है, इससे इसका साइज बड़ा है तो एनर्जी एनर्जी कम है ठीक है, इससे इसका साइज बड़ा है ठीक है, एनर्जी एनर्जी कम होना चाहिए आगे तो ज्यादा हो गया यही है। तो चलिए यही आपको पहला तो ये जवाब देना पड़ेगा कि इसका साइज क्यों छोटा हो गया, दूसरा आपको जवाब देना पड़ेगा कि इसका एनर्जी एनर्जी क्यों ज्यादा हो गया है,
फिर आपको जवाब देना पड़ेगा यहाँ मेनली थैलियम में, थैलियम में क्या देना होगा कि इसका साइज भी बड़ा है ऊपर वाले से इंडियम से, फिर भी इसका एनेशन एनर्जी इंडियम से ज्यादा है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से, ये सारा कारा छिपा हुआ है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए सबका हम लिख दिए, आपको पता है सब लिख दिए। यहाँ गौर से देखिएगा कि बोरन से जब अल्मोनियम में जाते हैं तो इसमें सब में 3s मतलब s और p का इलेक्ट्रॉन है, गैलियम में जो आते हैं तो पहली बार यहाँ d का इलेक्ट्रॉन आ गया। गैलियम से इंडियम में आते हैं, ठीक है, सब में जितना गैलियम में d s p में है तो यहाँ भी d s p में है, ठीक है, लेकिन जो थैलियम में आते हैं तो देखिए 4f f में इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना, f में, यानी थैलियम में अचानक ऊपर वाले की तुलना में f का इलेक्ट्रॉन आ गया, गैलियम में अचानक डी में इलेक्ट्रॉन आ गया, किसके रिस्पेक्ट में, अल्मोनियम के रिस्पेक्ट में। और आप जानते हैं डी और एफ का सेलिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, हैं, यानी एटमिक नंबर बढ़ने से, इससे एटमिक नंबर बढ़ने से इनर इलेक्ट्रॉन डी में गया और डी का क्या हो गया, डी का सेलिंग इफेक्ट होता नहीं है, दैट्स वाई कम होता है, दैट्स वाई इन केस ऑफ गैलियम देयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकम सो हाई विथ रिस्पेक्ट टू अल्मोनियम कि इसका सेल नंबर देख रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल नंबर चौथा है, इसमें आउटर मोस्ट सेल नंबर तीसरा है, इधर है, फिर भी इसके गैलियम में डी में इलेक्ट्रॉन जाने के कारण इसका देखिए जेड कितना है 31, इसमें जेड कितना है 13, यानी इसमें डी में इलेक्ट्रॉन जाने के कारण सेल इफेक्ट कम होने के कारण इसमें इफेक्टिव निकल चार्ज इतना ज्यादा है कि वो चार वो सेल था उसको भी खींच करके इतना खींच दिया, मैंने इफेक्टिव निकल चार्ज इतना ज्यादा हो गया सर कि इसका साइज देख रहे हैं, इसका साइज इसके तुलना में थोड़ा सा कम गया, देखिए साइज कम गया, जब साइज कम जाएगा तो एनर्जी तो बढ़ ही जाएगा, क्लियर है, यही जवाब, तो इसका जवाब आपको मिल गया। और ये क्या कारण है, इसके तुलना में इसमें अचानक डी में इलेक्ट्रॉन आ जाना। ठीक, चलिए अब गैलियम से जब इंडियम में आइएगा तो जो नॉर्मल होता है, क्या नॉर्मल होता है, न्यूक्लियर चार्ज से सेल नंबर बढ़ना, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इसलिए एक्सेप्शनली नहीं बढ़ पाता है क्योंकि जैसा इसमें डी एस पी में इलेक्ट्रॉन वैसा ही डी एस पी में इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो थैलियम में आते हैं तो देखिए इसमें इंडियम में 49 इलेक्ट्रॉन है, थैलियम में 81 है, इसमें न्यूक्लियर चार्ज अचानक बढ़ गया और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से प्रोटॉन का संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जो बढ़ा हुआ कहाँ 4f में बढ़ा और 4f इलेक्ट्रॉन इन f के इलेक्ट्रॉन का सेलिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थैलियम में इतना ज्यादा बढ़ गया साहब कि साइज थोड़ा सा इसके तुलना में देखिए थोड़ा बड़ा है, फिर भी अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने जाएगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगा, दैट्स वाई इसमें देख रहे हैं जिसमें थैलियम में इन स्पाइट ऑफ स्लाइटली लार्जर साइज इन ए कंपेरिजन टू इंडियम देयर IE1 यानी एनर्जी फर्स्ट इज मोर देन दैट इंडियम। ठीक है, तो इसमें इन थैलियम में साइज बड़ा होने के बावजूद भी इंडियम के तुलना में चले और होने के बावजूद भी इसमें एनर्जी ज्यादा है ड्यू टू इंक्रीज हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू इन्वॉल्विंग 4f इलेक्ट्रॉन इन इट। ठीक है सर, वैसे फिर ये आप ग्रुप 13 एलिमेंट सब पढ़िएगा तो उसमें इसका डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए इतना काफी अभी के लिए। एक क्वेश्चन है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अल्कली एलिमेंट का रिएक्टिविटी का ट्रेंड ये है जबकि हैलोजन का ट्रेंड ये है, ऐसा क्यों? तो आपको पता है कि ये अल्कली एलिमेंट्स ये सब क्या है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट करता है और सब मोनोएटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मोलिकुलर फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, तो निश्चित रूप से इसके केस में इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊपर से लिथियम सोडियम पोटेशियम रेबिडियम सीजियम ऐसे बढ़ेंगे तो साइज बढ़ता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है, दैट्स वाई रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करता है, ऐसे इंक्रीज क्योंकि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो दैट्स वाई आपका ये ट्रेंड्स हो गया।
इससे ज्यादा रिएक्टिव है, इससे ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन जब आप हैलोजन में आते हैं तो हैलोजन में ये क्या है, हैलोजन इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होता है और साथ साथ ये डायएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Br2a2 ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो जब रिएक्ट करने जाइएगा तो रिएक्शन का मतलब ये लूज करके रिएक्ट करता है जबकि ये गेन करता है। तो गेन करने के क्रम में पहले ये क्या होगा, डिसोसिएट करेगा, यानी इसका जो रिएक्शन जो होता है पहले ये डिसोसिएट करेगा, तो डिसोसिएशन इसका तो एक मिनट, तो गेन करने की टेंडेंसी, तो आप देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या है, सबसे ज्यादा Cl का, देन F का, देन Br का, देन I का है। तो आप सोचिए गेन करने की टेंडेंसी के आधार पर कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के आधार पर बैठा दीजिए, यानी क्लोरीन को टॉप कराना आप चाह लीजिएगा या क्लोरीन को कहिएगा कि सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन नहीं सर, जो आप रिएक्टिविटी जो है इतना, आप देखिए एक गाना आप कहाँ गाते हैं, स्टेज पर भी गाते हैं, एगो बाथरूम में भी गाते हैं। तो बाथरूम में जब आप गाइएगा तो आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा, क्या होने लगेगा कि हम बहुत बड़े गायक हैं, लेकिन जब आप स्टेज पर जाकर गाइएगा तब पता चलेगा गाने में क्या है। एक्चुअली यहाँ बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, जैसे अब उतना हम आपको कहाँ ले जाएं, लेकिन इतने जान लीजिए कि रिएक्टिविटी इन सच केस में ये हैलोजन का रिएक्टिविटी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ रिएक्टिविटी का मतलब है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये डिपेंड करता है। यहाँ F का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है +2.87 ये ज़्यादा होता है और Cl का +1.36 होता है, दैट्स वाई दिस इज मोर रिएक्टिव देन दिस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो कहता है कि हैलोजन जो है, ये हैलोजन पहले ये डिसोसिएट होता है, ये गैसियस स्टेट में, इसमें डेल्टा ये डिसोसिएट करेगा, किसमें, डेल्टा एच डिसोसिएशन, यानी ये बॉन्ड डिसोसिएट करेगा क्या चीज, X2 जो है ये डिसोसिएट करके X में गैसियस स्टेट में आ गया और इससे ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, डेल्टा एच इज ये इलेक्ट्रॉन, और तब जाके ये X माइनस हो गया और इससे जब इक्वस वाटर से देख रहे थे X माइनस ये हो गया डेल्टा एच हाइड्रेशन, यानी तीनों के आधार पर जिसका ज्यादा होगा, है ना, क्या चीज ज्यादा होगा, वैल्यू ज्यादा होगा उसका गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगा, ये प्लस में जितना ही ज्यादा होगा। तो ओवरऑल जब ये निकाला गया तो फ्लोरीन का, क्योंकि यहाँ डिसोसिएशन ये जो है फ्लोरीन का इतना कम होता है क्लोरीन के तुलना में, कि ओवरऑल जब निकाली जाएगा तो फ्लोरीन का क्या होगा, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में ये वैल्यू ज्यादा हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, दैट्स वाई ये गेन करने की टेंडेंसी, गेन करने की टेंडेंसी का मतलब है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर F2 में देखिएगा वो ज़्यादा, F में ज़्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ हेयर द इन केस ऑफ फ्लोरीन द रिएक्टिविटी एक्सप्रेस इन टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन द टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एंड दिस रिएक्टिविटी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन एक्सेप्शनली बिकम देन क्लोरीन ड्यू टू सम ऑफ द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और डेल्टा एच हाइड्रेशन, ये सब देखिएगा सर जब निकालते हैं, तीनों के आधार पर आप निकालते हैं। यानी आप फ्लोरीन को कमजोर क्लोरीन से क्यों कह रहे थे, क्लोरीन को मजबूत क्यों मान रहे थे, क्योंकि आप कह रहे थे इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, लेकिन रिएक्टिविटी केवल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर नहीं डिपेंड करता है, उसके डिसोसिएशन पर डिपेंड करता है, उसके डेल्टा एच, और तीनों जब सम के निकाल, तीनों को जब सम करके निकालिएगा तो उस समय फ्लोरीन विनर हो जाता है क्लोरीन से, दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी इज लाइक दैट। और मोर डिटेल आप जब पी ब्लॉक ये सब पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छा से डिस्कशन होगा। चलिए देखिए यहाँ क्या है, ये एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो आपको कह रहा है इसका ग्रुप पर पीरियड बताइए, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या n=3 0, तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये 3s2 3p4 हो गया। इसका यदि n यहाँ डाल करके दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3d2 4s2 हो गया। यहाँ भी n=2 यदि डाल करके देखिएगा तो ये हो जाएगा 4f7 5d1 6s2। तो देखिए सर ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना किसका, 3s2 3p4, ऐसे करेंगे तो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3 1s2 2s2 2p6, इसके बाद 3s2 और 3p4, देख रहे हैं यही ना आया, ये किसका है,
निश्चित रूप से सल्फर का है ये, देख रहे 16 हो गया तो सल्फर हो गया। सल्फर कहाँ है देखिए, ग्रुप इसका पीरियड कितना होगा, पीरियड आउटर इलेक्ट्रॉन, चूंकि बताया हुआ पीरियड आउटर, आउटर मोस्ट सेल के, आउटर मोस्ट सेल कितना है 3 है तो 3 हो गया। और चूंकि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट ग्रुप नंबर देखिए आप सब बताया हुआ है, क्या करते हैं 10 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एस में 2 पी में 4 6 ऐसे कर देते हैं तो ये 16। पीरियड इसका 3 होगा, पीरियड 3 क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल इसमें 3 है। ग्रुप इसका 16 क्यों हुआ, क्योंकि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, वाई पी ब्लॉक लास्ट इंटर इनटू पी सबसेट, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट में ग्रुप नंबर क्या है 10 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करके निकाल दिए। अब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है, और डी में आपको चूंकि इसका पीरियड, जब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 4s2 और 3d2 यानी ये टिटेनियम, ये 22 स्कैंडियम टिटेनियम, तो ये 22 टिटेनियम का है, तो निश्चित रूप से इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड आउटर मोस्ट सेल इसमें 4th है, ये 4th पीरियड हो गया। और ग्रुप डी ब्लॉक के केस में हम कैसे निकाल देते थे ग्रुप नंबर, एस और डी के दोनों इलेक्ट्रॉन सम ऑफ द एस एन करके निकालते थे, तो इसमें दोनों को जोड़िएगा तो ये 4th ग्रुप नंबर 4 और पीरियड नंबर 4th में होता है। ये आप ऐसे करके आप जब इसका देखेगा सर, तो ये जी डी गैडोलीडियम 64 आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिएगा तो फिर गैडोलीडियम 64, जिसका निश्चित रूप से ये आपका लेंथेनोइड सीरीज में है, और लेंथेनोइड सीरीज में इसका ग्रुप इसका हो जाएगा सबका 3, ग्रुप 3 होगा, ग्रुप 3rd ग्रुप में होगा, और पीरियड सब आउटर मोस्ट सेल इसमें कितना है 6 है, तो इसका पीरियड 6 होगा। तो ये अब डिटरमाइनिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट पीरियडिक टेबल, एक अलग से वीडियो है सर, लेक्चर नंबर तो पता नहीं है, तो आप देखिएगा मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए इस चैप्टर का, आपको मिलेगा तो उसमें आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए देखिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आयनेशन इंथैल्पी दिया हुआ, पहला आयनेशन इंथैल्पी, दूसरा आयनेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऐसे लिस्ट किया होगा, तो पूछ रहा है कि इस इंफॉर्मेशन के आधार पर बताइए कि सबसे कम रिएक्टिव लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन है, रिएक्टिव मेटल कौन है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है, सबसे कम रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है, और ऐसे ही कुछ कुछ पूछ रहा है जो आप बुक में होगा। तो चलिए आप यहां देखिए, पहला देखिए लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, दो ये एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो मेटल रिएक्टिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, यानी आसानी से लूज करेगा मतलब उसका आयनेशन एनर्जी कम होगा, आयनेशन एनर्जी जितना कम होगा नहीं मेटल, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी कम होगा, आयनेशन एनर्जी कम हो मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब चूंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी गेन करने की टेंडेंसी भी उसमें कम होगा, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन गेन कराइएगा तो कम एनर्जी रिलीज करेगा, निगेटिव वैल्यू कम होगा, ठीक है, हाँ पॉजिटिव नहीं होगा लेकिन तो मेटल रिएक्टिव कब हो ज्यादा होगा, जब आयनेशन एनर्जी कम होगा मतलब इजिली वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव में कम होगा नहीं। चलिए और इधर आइए, नॉन मेटल रिएक्टिव कब होगा, जब उसका गेन करने की टेंडेंसी यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी माइनस यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उसका ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी में बहुत, इसको इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो बड़ा खुश होगा, खूब अमाउंट्स ऑफ एनर्जी हाई अमाउंट्स ऑफ एनर्जी निकल लेगा मतलब निगेटिव वैल्यू उसका ज़्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन गेन निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उसका ज़्यादा होगा और आयनेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा नहीं, ये दो वैल्यू जो फुलफिल करेगा वो क्या चीज होगा, नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा। वन सेकंड सुनिए, मेटल का क्या होगा रिएक्टिव होना, आयनेशन एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन गेन निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी कम, दोनों कम। नॉन मेटल में रिएक्टिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन आयनेशन एनर्जी ज्यादा और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी माइनस में भी ज्यादा, वहां दोनों ज्यादा यहां दोनों कम, तो इस आधार पर जब आप देखिए तो पहला क्वेश्चन कहता है कि लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, तो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, नहीं
तो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट देखिए है ना, उल्टा हो जाए ना, क्या चीज सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, जिसका आयनेशन एनर्जी ज्यादा हो ना, कहाँ है इसमें आपका आयनेशन एनर्जी ज्यादा हो, आयनेशन एनर्जी ज्यादा हो और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव हो जाए, नहीं दोनों उल्टा हो जाए। तो इस आधार पर यहाँ आपका ये पांचवा, देखिए पांचवा ये है, इसमें देखिए यहाँ आयनेशन एनर्जी भी ज्यादा है और ये क्या चीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी माइनस में ज्यादा के मतलब पॉजिटिव है, यानी कम है ना। तो जबकि आप पढ़े हैं मेटल के केस में रिएक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, आयनेशन एनर्जी भी कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होना चाहिए। नॉन मेटल पर रिएक्टिव होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए, आयनेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों बात गड़बड़ है। इसका मतलब यहाँ आयनेशन एनर्जी भी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा है, तो नॉन मेटल में सूट कर रहा है, तो निश्चित रूप से सबसे कम रिएक्टिव यही होगा क्योंकि इसमें आयनेशन एनर्जी ज्यादा है, यानी मेटल के लिए भी नहीं सूट कर रहा है, नॉन मेटल के लिए सूट कर रहा है। और यहाँ देख लीजिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी मतलब इलेक्ट्रॉन उसको ऐड कराने के लिए एनर्जी देना पड़ रहा है, तो दैट्स व्हाई इस केस में ये किसी के लिए नहीं, ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मेटल का रिएक्शन कौन होगा जो निश्चित रूप से क्या होगा, जो आपका आयनेशन एनर्जी कम होगा, नहीं आयनेशन एनर्जी कम होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव वैल्यू कम होगा। तो निश्चित रूप से इस आधार पर यदि आप देखिएगा तो आप देखिए इसको देखिए दूसरे को देखिए यहाँ देखिए आयनेशन एनर्जी देखिए कम है, देख रहे हैं ना कम है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी मतलब है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आयनेशन एनर्जी इसका मिलनी देखिए कम है ना, देखिए इसलिए दैट्स वाई जितना भी होगा सब में से आयनेशन एनर्जी इसका क्या है सबसे कम है, देख रहे हैं, इसलिए मोर रिएक्टिव। आयनेशन एनर्जी के आधार पर आप पकड़े किसको, मेटल को मिली पकड़िए आयनेशन एनर्जी के आधार पर हाँ, और नॉन मेटल को पकड़िए उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ऐसा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन होगा, निश्चित रूप से इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा, सबसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका ज्यादा है नहीं, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा है, देखो आयनेशन एनर्जी भी ज्यादा है नहीं, बता रहे थे ना, दैट्स व्हाई यहाँ आपका कौन हो गया ये थ्री हो गया। लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल आपका कौन होगा, आपका देखिए ये चौथा क्यों लिस्ट रिएक्टिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो इसका क्या है ठीक है हाई है, लेकिन आयनेशन एनर्जी इसका क्या होगा कम गया ना, आयनेशन एनर्जी कम गया, जबकि रिएक्टिव होने के लिए आयनेशन नॉन मेटल को रिएक्टिव होने के लिए आयनेशन एनर्जी भी जाना होते होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव माइनस में माइनस वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए ये आयनेशन जैसे आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में जाते हैं, ये एक्चुअली ये कहानी आयोडीन का है, तो आप ऊपर से नीचे आते हैं तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस में इसका इसके तुलना में थोड़ा सा कम है, लेकिन आयनेशन एनर्जी एक्सेप्शनली कम हो गया मतलब इसका रिएक्टिविटी क्या है ऊपर वाला से कम है, लिस्ट रिएक्टिव है अमाउंट दिच आपका सबसे कम रिएक्टिव नॉन मेटल्स आपका कौन होगा, चौथा हो गया। मेटल विच फॉर बाइनरी हैलोजन विथ बाइनरी हैलाइड विथ हैलोजन MX2 टाइप, तो देखिए ये जो आपका है यहाँ देखिए इसमें क्या है, ये आपका अल्कलाइन का है, क्यों अल्कलाइन का है, क्योंकि देखिए हाँ ये जो आपका है किसका अल्कलाइन का क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए ये अल्कली का है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं तो ठीक है, दूसरा निकालने तो एक्सेप्शनली बढ़ जा रहा है, तो अल्कली का है, तो अल्कली एलिमेंट्स यहाँ देखिए एफ में अल्कली एलिमेंट्स हैलोजन के साथ कैसा हाइलाइट्स बनाता है, MX टाइप बनाता है, इसमें भी अल्कली कौन हो गया LiCl NaCl KCl इस टाइप का बनाता है, उसमें भी ये कोवेलेंट हैलाइड LiCl होगा, Li बनाएगा, क्योंकि आप पढ़िएगा केमिकल बॉन्डिंग हाइड्रोजन रूल है ना,
क्योंकि डिस्टॉर्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू कोवेलेंट कंपाउंड्स में कैसे स्मॉलर साइज के टाइम होने के कारण वो आयनिक कैरेक्टर चेंज हो जाता है कोवेलेंट कैरेक्टर में, तो निश्चित रूप से ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सुटेबल फॉर अल्कली मेटल के हैं, क्योंकि इसका पहला एनर्जी चूंकि एस वन निकलते समय एनर्जी कम होगा, लेकिन जो वो निकल जाएगा तो नेक्स्ट जो निकलेगा वो 3P6 या 4P6 यानी नोबल गैट कन्फिग्रेशन से निकलेगा, तो अचानक आप समझ रहे हैं अचानक उसका एनर्जी सेकेंड बढ़ जाएगा, तो दिस कन्फिग्रेशन सुटेबल फॉर अल्कली एलिमेंट के लिए। अल्कली एलिमेंट हमेशा कौन बनाएगा आपका एफ, ये बाइनरी सॉरी मोनो हैलाइड्स MX टाइप LiCl NaCl ऐसे बनाएगा, और उसमें भी कोवेलेंट हैलाइड पूछ रहा है, तो कोवेलेंट हैलाइड केवल और केवल अल्कली एलिमेंट में कौन बनाता है, Li, काहे ड्यू टू फैजन्स रूल जो केमिकल बॉडी बनी। और ये जो है ये मेटल फॉर्म बाइनरी है, बाइनरी है कौन बना अल्कलाइन मेटल बनाता है, अल्कलाइन वाला यह कौन है, ये फिफ्थ है। अल्कलाइन क्यों है, क्योंकि देख रहे पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने में देखिए 7.38 लग रहा है, तो दूसरा में भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, देख रहे हैं ना। यदि मैग्नीशियम से यदि आप 3s2 है पहला इलेक्ट्रॉन निकालिएगा और तो उसका एनर्जी, और दूसरा निकालिएगा तो एनर्जी, ये पहला का यदि 7.38 है तो दूसरा का भी 1.451 बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो दैट्स वाई ये मैग्नीशियम या फिर कोई अल्कलाइन अर्थ में अल्कलाइन अर्थ मीटर बाइनरी हैलाइड्स बनाएगा। तो दिस इज एट मॉडल, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट बोरोन एल्यूमिनियम, इसमें कहता है करेक्ट और मेटालिक कैरेक्टर होता है, सब अलग अलग जगह का एलिमेंट है, तो अब मेटालिक कैरेक्टर हम आपको बताए थे कि सबसे ज़्यादा इस ब्लॉक एलिमेंट में अल्कली मेटल का तो ये हो गया, देन उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल ये मैग्नीशियम का होगा, अब बच गया बोरोन एल्यूमिनियम। तो बोरोन एल्यूमिनियम ऐसे ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर मेरा बढ़ता है, तो इसमें से इस दोनों में चूँकि सेम ग्रुप का है तो एल्यूमिनियम का हो गया और सबसे कम, ठीक है सर, तो इसमें आधार पर आपको आपका ये सीरीज हो गया। अब आइए कहता है कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट, ये सब एलिमेंट दिया हुआ है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर निश्चित रूप से आपका इसमें आपको ये बताना है कि जैसे देखिए बोरन कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये फ्लोरिन ऐसे, तो जो जो आप इधर से इधर जाते हैं सर पता है आपको, तो और इसी के नीचे आपका दूसरे जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका क्या होता है, बढ़ता है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरिन हो गया, देन इसके बाद आपका ऑक्सीजन तो इसमें है नहीं, इसके बाद आपका नाइट्रोजन हो गया, देन कार्बन हो गया एंड देन बोरॉन हो गया, और ये चूंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है घट जाता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है, तो सबसे कम क्या ऑक्सीजन, तो चलिए इस ऑप्शन के आधार पर आप देखिए कि कौन है, तो इस आधार पर ये ऑप्शन यहाँ क्या है, डी है आपके बुक में होगा, और ये आपका सी है, ये हम आपको पढ़ाए हैं उस आधार पर, ये अल्कली मेटल है, ये अल्कलाइन मेटल है, ये इसमें ये पी ब्लॉक का हो गया, तो पी ब्लॉक में एक ही ग्रुप का है तो उसके आधार पर निकाल दिए, और ये आप नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो बढ़ता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू डाउन जाते हैं तो घटता है, अब मेटालिक में क्या होता है लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर का घटता है ऊपर से नीचे बढ़ता है, तो सब आप वीडियो पढ़िए, इस आधार पर सबसे ज़्यादा ये डेली। इसमें यदि आप देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट FClNON, करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग, केमिकल रिएक्टिविटी को आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, तो ये पी ब्लॉक सब में है, आप उसको अच्छा से डिस्कस, लेकिन फिर भी आप यहाँ बना सकते हैं जो हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि आपका यहाँ ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अप्लीकेशन हम जो बताए थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज में बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज।
तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को इसका होगा फ्लोरीन का, देन ऑक्सीजन का होता है, लेकिन बच गया एन और सी एल, सी एल और एन दोनों में टाई है, इसका पता है ना 4.0 होता है, इसका 3.5 होता है, अरे दोनों का 3.0। तो इस दोनों टाई में इलेक्ट्रो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब रिडक्शन नेचर, रिडक्शन तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला, इन दोनों में बताइए तो हाफ फिल है सर ये, और ये इसको तो चाहिए 3s2 3p5 है ना, इसको 3p3, इसको इलेक्ट्रॉन गेन कराइएगा तो इसको चाहिए नहीं चाहिए, इसको चाहिए, तो सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये हम तो इसमें हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पर बता रहे, जहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टाई हो गया उसके में हम थोड़ा कन्फिग्रेशन देखेंगे तो कुछ और बातें देखा जाता है, उस आधार पर यदि आप देखिएगा तो निश्चित रूप से यहाँ क्लोरीन को ज़्यादा जरूरत है, इसको हाफ क्लोरीन कोई जरूरत नहीं है, दैट्स वाई आपका कन्फिग्रेशन आपका ऑर्डर कैसा रहेगा, एफ सी एल एफ ओ एंड देन सी एल और सबसे कम एन। अब देख लीजिए इसमें कौन सा है, ये आपका है ऑप्शन डी, ये करेक्ट आंसर। तो चलिए सर इसमें कुछ देखे होंगे कि आपका बुक में जैसे ये 3.4 है, 3.5 है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसमें जो कुछ भी है वो आप सर आप पढ़िएगा, आप बना सकते हैं कि। तो नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो बनाएंगे वो प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन का एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें 10 साल के क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से नीट से में आया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और हर वीडियो का उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसमें डाल देंगे इस आज के लेक्चर में, और उसमें भी इसका डाल देंगे। तो हम गौर से देखिएगा हर वीडियो में जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक दिया रहता है, एक मान लीजिए ये लेक्चर नंबर मेरा 15 है तो हम 16 का भी डालते हैं और 14 का भी डालते हैं, तो आप आगे पीछे दोनों को लेक्चर को देख करके आप पढ़ाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मस्त रहिए।